गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ का ये वीडियो नंबर 16 है. वीडियो नंबर 16 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वीडियो नंबर 16 है. अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में या शायद पहले ही वीडियो में, स्टार्टिंग में मैंने किसी वीडियो में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये तो एटम के सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अच्छा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल. और तीनों का मास और चार्ज मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का. तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड मॉडल के बाद ही कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन. और रिपल्सन की वजह से एटम के न्यूक्लियस को ब्लास्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन होते हैं और सारे न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस को ब्लास्ट कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं. ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि आप इसका आंसर दीजिएगा. अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं, ठीक है. बच्चे लॉकडाउन का पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं, केवल घर पर आराम कर रहे हैं. जो बच्चे 11th में हैं, फिर से मैं उनसे बोल देना चाहूं, आप 10th से 11th में आने वाले थे, अभी तक आ नहीं पाए हैं, लॉकडाउन हो गया, तो आपको अंदाजा नहीं चल पा रहा है, अंदाजा आपको नहीं लग पा रहा है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर 10th वाली सिनेरियो को फील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आगे दिक्कत आपके लिए बहुत तगड़ी होने वाली है, ठीक है. तो एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ये मत सोचिए कि क्योंकि अभी आज तक आपको स्कूलिंग और तमाम चीज़ों के बारे में ठीक से फीलिंग नहीं आई होगी कि 11th का सिलेबस 10th से कितना डिफरेंट है. तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और पूछते रहिए और समझते रहिए. ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आप पढ़कर समझ ही जा रहे होंगे, तो अगर कुछ चीज़ें पढ़कर नहीं समझ रहे हैं तो उसको आप पूछिए. अच्छा, आप देखिए, ठीक है. तो यही चीज़ आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. अच्छा, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं. एक टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैंने बोला था इसी चैप्टर में बता दूंगा, रेडियो एक्टिविटी. तो क्लास 11th का मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसका नाम ही रहेगा रेडियो एक्टिविटी. उसको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 17 या 18 नहीं करूंगा, ठीक है. उसको मैं सीधे नाम दूंगा रेडियो एक्टिविटी. एकदम वो 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th, 12th, हर क्लास के बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी टर्म यूज होता है, लेकिन कहीं आपके सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पूरा बाकायदे उस चैप्टर को पढ़ाया नहीं गया है. तो मैं उस चैप्टर को आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो हर क्लास के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर तरह के बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे हिसाब से आज का वीडियो ही आखिरी होगा, ठीक है. और अगर मैं एक बार किताब भी देख लूंगा, अगर मुझे लगता है कुछ और छूटा है, तो एक आध वीडियो और भी मैं ला सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, ठीक. नोड मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, नोड के बाद पढ़ाया था एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस. तो चलिए आइए प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन की बात करते हैं. टोटल दो थ्योरी आती है, एक को कुछ लोग नाम देते हैं मेसॉन थ्योरी, MESON मेसॉन थ्योरी, और एक को नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम. क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम. तो क्वेश्चन आपका क्या है, मैं बोर्ड पर पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं बारी बारी से दोनों थ्योरी आपको समझाऊंगा. देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन न्यूक्लियस मस्ट एक्सप्लोड बट इट डिड नॉट हैपन. ऐसा नहीं होता है, वाई, क्यों. अच्छा, आपको पता है कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी इस क्वेश्चन से कनेक्टेड है, लेकिन अभी मैंने रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ाया नहीं है. अगला वीडियो जो लेके आऊंगा वो रेडियो एक्टिविटी का पूरा चैप्टर लेके आऊंगा, तो छोड़िए अभी रेडियो एक्टिविटी को, आप यहाँ आइए. अब एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि जिन एटम्स के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, रिपल्सन वाली समस्या भी वहीं पर ज्यादा आती है. रिपल्सन वाली समस्या वहीं पर ज्यादा होती है जिनके पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो. आपको पता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. 10⁻¹⁹ कूलम, अरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है. तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ये चार्ज बहुत कम होता है. अगर मान लो किसी एटम के सेंटर में, किसी एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो दोनों इतने कम पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं कि उनके बीच का रिपल्सन क्या होता है, बहुत कम होता है. तो वहां पर यह समस्या नहीं आती है. ये बात उठती कहां है, प्रैक्टिकली अगर इसकी बात की जाए कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए, तो प्रैक्टिकली अगर मैं ये बात बोलूं तो ये बात उठती है वहां पर जहां प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा, जैसे यूरेनियम. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92, ठीक है. एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92 होता है. तो वहां पर प्रोटॉन 92 प्रोटॉन है, तो वहां पर ये समस्या बढ़ने लगेगी आपको. अच्छा, एक चीज आपने और फील किया होगा, कभी आपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पे सरसरी निगाह डाली होगी, तो आप देखते होंगे शुरुआत में न्यूट्रॉन जो एटम्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है. जैसे हीलियम,
हीलियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का सिंबल क्या होता है? 2He4। ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये होता है इज इक्वल टू प्रोटॉन, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो दो प्रोटॉन रख दोगे तो न्यूट्रॉन में कितना आ जाएगा? दो। जैसे कार्बन, उसमें छह प्रोटॉन होते हैं और छह ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे यूरेनियम 80, 85, 90, 100, 112, 115, 118, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और बहुत ज्यादा प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में भरे रहेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, और उसके ब्लास्ट होने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो वही चीजें आप धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज अगर मैं अगर आपसे मैं कभी कहूं कि जो एक न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का सम होता है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, सेम यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है किसी भी एलिमेंट के अंदर से तीन तरह के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और वो कहां से निकलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं। और बीटा पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। यानी वो निगेटिव रेडिएशन कहां से निकल रही है? न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही है। यानी रेडियो एक्टिविटी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूफ करती है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो है कहां, दिखता क्यों नहीं है? तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं। जो एक न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसको आप कैसे समझेंगे? न्यूट्रॉन पे आई, जैसे ऐसे लिखा मैंने न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज कितना होता है बताओ? चार्ज नीचे लिख रहा हूं, जीरो। बताओ इसका मास कितना होता है? वन एएमयू। अब कई लोग कहेंगे सर ये क्या है, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो को जाके पढ़ लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वीडियो नंबर 15, अभी कल अपलोड किया है, ठीक है, कल अपलोड किया है उस वीडियो को, उसमें जाके पढ़ लो। 1 AMU, एक न्यूट्रॉन के मास को या प्रोटॉन के मास को ही बोलते हैं 1 AMU। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा यहां पे आओ, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बोलो? 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज नीचे लिख रहा हूं, और इसका मास भी क्या होता है? 1 AMU। अच्छा आपको पता होगा न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा हो तो 1 AMU प्लस लिख दिया मैंने, हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, डेसिमल के थर्ड फोर्थ डिजिट में, लेकिन नॉर्मली बोल चाल की लैंग्वेज में हम बोल देते हैं 1 AMU 1 AMU 1 AMU। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इस पे चार्ज क्या होता है बोलो? चार्ज क्या होता है? -1। भाई प्रोटॉन का अपोजिट चार्ज होता है, निगेटिव में होता है, तो इसका प्लस वन है तो इसका क्या होगा? -1। और इसका इस पे मास क्या होगा? कुछ 1/18 AMU। 1 AMU का 1837 गुना कम। ये भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम होता है। तो अगर प्रोटॉन का मास 1 AMU है तो इसका मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 1 AMU का इतने गुना होगा, इतने गुना कम कर लो, इतना कम होगा। और यहां पर मैंने लिखा है 1 AMU प्लस, तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 0n फिर 1 AMU और प्लस 1/1837 AMU। नहीं समझे बात को? मतलब एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU से इतना, 1 AMU होता है और प्लस 1 AMU का इतना निकाल लो, इतने से डिवाइड करके निकाल लो, बहुत कम आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, और एक प्रोटॉन का मास जस्ट 1 AMU होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU का इतना होता है। आप लोग पढ़े होंगे न्यूट्रॉन का मास होता है, मास की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, मास होता है 1.6749 अप्रॉक्स में लिख रहा हूं इंटू 10^-24 ग्राम। इस प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.6724 इंटू 10^-24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.11 इंटू 10^-28 ग्राम। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इस मास को और इस मास को, तो लगभग इस मास के बराबर आएगा। यही जो डेसिमल के थर्ड फोर्थ में डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत कम मास है, जब इसमें जुड़ेगा तो इसके लगभग क्या आ जाएगा? बराबर है। यानी मैं कह रहा हूं कि एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल। अगर मैं मास की बात करूं तो इन दोनों का मास जोड़ने पे इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं चार्ज की बात करूं, इन दोनों का चार्ज जोड़ने पे इसके बराबर हो जाएगा। यानी एक न्यूट्रॉन प्रॉपर्टीज में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर है। इस चीज को पहले आप दिमाग में उतार लीजिए। फिर से देख लो, प्रोटॉन के मास को बोलते हैं 1 AMU, ऊपर लिखा 1 AMU। न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा होता है? इतना ज्यादा होता है, 1 AMU का इतने गुना, 1/1837 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा। तो 1 AMU पूरा हो गया और प्लस इतना ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 1 AMU का इतने गुना, बहुत कम। और इसको अलग से आप जोड़ भी सकते हैं, इसको निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, ये किताबों में आपको ये डेटा लिखा हुआ मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा।
इसके बराबर आएगा, चेक कर लेना, कोई बताएगा नहीं, जल्दी बता दे रहा हूँ। इन प्रोटॉन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और इक्वल चार्ज होता है, जितना प्लस उतना है माइनस, दोनों को जोड़ोगे जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल के बराबर जीरो। यहाँ देखो जीरो लिखा, यहाँ देखो प्लस वन, यहाँ देखो माइनस वन, यहाँ देखो प्लस वन, यहाँ देखो माइनस वन, जोड़ के आएगा जीरो। मास भी जोड़ो, एएमयू में जोड़ो तो भी बराबर आ रहा है, अलग अलग ग्राम में जोड़ो तो भी बराबर आ रहा है। मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम के क्या है, बराबर है। पहले तो आपको मैं ये एक लाइन समझाना चाहता हूँ, ये समझ गए हूँ तब मैं धीरे से आगे बढ़ूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक, इसको आप नोट करिए, ठीक है। अच्छा याद रहे, ये एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा। जरूरत पड़ेगी तो न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ेगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा अपने जीने के लिए। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ रहता है, एटम में। और एटम कब स्टेबल होगा, जब न्यूक्लियस स्टेबल होगा। न्यूक्लियस के ऊपर जब जब संकट आएगा, न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ेगा और उस एटम को, उस न्यूक्लियस को बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब मान लो दुनिया का कोई भी एटम है, मैं एक छोटा सा एटम ले रहा हूँ सोडियम, लेकिन आपको बता दें सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। लेकिन ये चीज दिमाग में बैठा लो कि ये जो रिपल्सन वाली समस्या होती है, ये छोटे एटम्स पर नहीं लागू होती, सोडियम पर लागू नहीं होती है, बड़े एटम्स पर होती है, थोरियम, यूरेनियम, जो 50-60 एटॉमिक नंबर के ऊपर वाले होते हैं। यही रीजन है कि सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी ऊपर ही पाए जाते हैं, नीचे नहीं पाए जाते। अंडर 20, अंडर 30 एक भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हाँ आइसोटोप्स होते हैं, कुछ के आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल सोडियम का ही लेके चल रहा हूँ, मतलब सोडियम से ही समझिए। अच्छा, तो सोडियम का क्या होता है, 11Na23। चलो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियस। इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रिपल्सन लगता है। प्रोटॉन कितने होंगे, 11 इन द न्यूक्लियस, स्पेलिंग CLEUS, इन EUS, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करोगे 23 में से 11 गया 12, इन द न्यूक्लियस। ठीक जा रहा है ना, ठीक है। अब देखो, मान लो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखो जरा, न्यूक्लियस है, इसमें 11 ठो प्रोटॉन है और 12 ठो न्यूट्रॉन है, है तो न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब नहीं है, शांति से सोया रहेगा। हाई प्रोटॉन को ज्यादा दिक्कत होगी, भैया हम भी पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, दोनों अगल बगल कैसे रह सकते हैं, हमारे बीच में तो रिपल्सन होगा, अब हम लोग पटकी पटकान करेंगे। अब ये दोनों प्रोटॉन, ये 11 प्रोटॉन आपस में लड़ने वाले हैं। चलिए मैं 11 को नहीं लिख रहा हूं यहां पर कि कैसे लड़ाई होगी, मैं कोई दो प्रोटॉन लेके चल रहा हूं। मान लो एक प्रोटॉन यहां है और एक प्रोटॉन यहां है, बहुत ध्यान से समझना, इस चीज को किनारे कर लो। एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, देखना घूर लिखे हैं हिंदी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। अभी मार होने वाला है, पटकी पटकान होने वाला है, हम भी पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, अब भी मार होगा। अच्छा कौन, ये तो 12 न्यूट्रॉन भी तो अगले बगल बैठा है, मिक्स ही तो सब आपस में है। न्यूट्रॉन देख रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये दोनों तो मार कर लेंगे, और मार करके मारेंगे न्यूक्लियस को, अनस्टेबल कर देंगे, न्यूक्लियस वा ब्लास्ट कर जाएगा, और न्यूक्लियस ब्लास्ट कर जाएगा तो हमारा रहना, न्यूट्रॉन सोच रहा है, न्यूट्रॉन हमारा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। न्यूट्रॉन समझ गया मार होने वाला है, कुछ करना पड़ेगा, आज मुझे अपनी दैवी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तुरंत इस बारह में से एक न्यूट्रॉन खुद को तोड़ देगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन पे माइनस प्रोटॉन पे प्लस, तुरंत एक न्यूट्रॉन खुद को तोड़ देगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, और तोड़कर टूट गया, ये तो खत्म हो गया, न्यूट्रॉन ने ही खुद को तोड़ दिया, खत्म। ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा क्या मतलब, ये तो खत्म हो गया, मैं कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव। तुरंत ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए दोनों में से किसी एक के पास जाएगा, किसी एक के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ये प्लस है, ये माइनस है, बताओ प्लस और माइनस दोनों में अट्रैक्शन लगेगा, ये देखिए प्लस और माइनस दोनों में अट्रैक्शन लगेगा, देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस दोनों में अट्रैक्शन लगेगा, और ये दोनों में अट्रैक्शन लगेगा, चिपक जाएंगे। बताओ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन। अगर एक न्यूट्रॉन टूट कर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या देगा, एक न्यूट्रॉन। तो ये दोनों खट से कंबाइन होकर क्या बना लिए, एक न्यूट्रॉन। ये दोनों खड़ से कंबाइन बना होकर क्या बना लिए, बोलिए एक न्यूट्रॉन बना लिए। बोलिए क्या बना लिए बच्चा, एक न्यूट्रॉन। अब आइए आपके मन के डाउट को दूर करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर एक न्यूट्रॉन जब अपने आप को तोड़ लेगा तब तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, तब तो 12 से 11 हो जाएगा। नहीं,
इसने खुद को तोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर प्रोटॉन से कंबाइन होकर खट से एक न्यूट्रॉन बना दिया। मतलब एक तरफ टूट रहा है दूसरी तरफ बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है दूसरी तरफ बन रहा है। जैसे टूटा 12 से 11 हुआ और जैसे बना 11 से फिर से क्या हो गया 12 हो गया। कई लोग के मन में एक डाउट आएगा कि सर एक प्रोटॉन कम हो गया, देखिए ये प्रोटॉन इससे कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना लिया, तब तो प्रोटॉन कम हो गया, 11 में से 10 प्रोटॉन हो जाने चाहिए ना। जैसे ये प्रोटॉन इससे कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना लिया तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आपको नहीं मिल गया। देखो भाई इन दोनों में रिपल्सन हो रहा था, ये गया इसको मैनेज कर दिया, यहां बना दिया खट से, ये बच गया, अब इन दोनों में रिपल्सन होगा तब तक ये न्यूट्रॉन और टूट जाएगा। ये पूरा कहानी चलती रहती है, दो प्रोटॉन में रिपल्सन होने वाला था, एक न्यूट्रॉन ने खुद को तोड़ दिया, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन गया दोनों में से किसी एक से कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना दिया, फिर इन दोनों में रिपल्सन होगा, कोई दूसरा न्यूट्रॉन टूटेगा और ये कहानी लगातार चलती रही। अच्छा इस कहानी में कौन जनरेट हुआ और गायब हो गया, कौन क्रिएट भी हुआ गायब भी हो गया, न घटा न बढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और तुरंत इससे कंबाइन होकर गायब भी हो गया, यानी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन लगातार क्या कर रहे हैं। चलो ये मैं क्लास में 3-4 और बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब क्या घटा बढ़ा। फिर से देखो एक न्यूट्रॉन टूटा तो ये 12 से 11 हो गया, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया इस प्रोटॉन से कंबाइन होकर एक बना लिया फिर 12 हो गया। कई लोग कहेंगे सर ये एक प्रोटॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आपको मिल गया था, तो देखो एक एक दो हो गया। तो ये चीज चलती रहती, इस पूरे को बोलते हैं मेसन थ्योरी। क्या बोलते हैं? मेसन थ्योरी। लेकिन इसके लिए आपका पूरा का पूरा ये पता होना चाहिए आपको कि एक न्यूट्रॉन बाय मास और बाय चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम के क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज जोड़ोगे तो भी एक न्यूट्रॉन के बराबर न्यूट्रल होगा, जीरो, और अगर मास जोड़ोगे तो भी एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इस पूरी थ्योरी को क्या बोलते हैं? मेसन थ्योरी। आप इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन न्यूक्लियस मस्ट एक्सप्लोड बट इट डिड नॉट हैपन, वाई, इसका आंसर है ये पूरा मेसन थ्योरी। ये पहला एक्सप्लेनेशन था। एक एक्सप्लेनेशन और है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम। कई बच्चे मुझे ये आंसर देते हैं जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, तो कई बच्चे मुझे खड़ाक से बोलते हैं सर बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम, लेकिन जब बहुत डिटेल से उनसे पूछता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम क्या है तो फिर वहां पर वो क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मेसन थ्योरी क्लियर हो गई आपकी, नोट कर लीजिए। अच्छा, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया ना मेसन थ्योरी, ये थ्योरी जो है हाइड्रोजन पे अप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। प्रोटॉन कितना होता है? एक। न्यूट्रॉन कितना होता है? जीरो। एक में से एक गया, जीरो। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ तो मार हो जाएगा। अरे भाई प्रोटॉन कितना है? एक ही है, किससे मार करेगा यार, अकेले है, एक ही प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन पर ये थ्योरी अप्लाई मत करना। ठीक है, अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम क्या होती है, आप लोग को पता है ये तो एटम के सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर सेल, क्या होता है सेल, जितना भी तुम बना लो दैट यू नो, ठीक है, कितना भी तुम बना सकते हो। अब देखिए, अब आपको पता है जब न्यूक्लियस का, अगर मैं कहूँ न्यूक्लियस का वेट कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। अच्छा, आप लोग को एक चीज और पता होगा, बहुत तरह के 37 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में एग्जिस्ट करते हैं। आप ये पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नहीं, एक आध दो पार्टिकल और होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो होता है, बहुत तरह के पार्टिकल होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप, ये पाया गया प्रैक्टिकली, मैं ये थ्योरी में आपको ऐसे थ्योरेटिकली ही समझा रहा हूँ, जैसे प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जब किसी एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ा गया तो कुछ मास आया, उसको नोट कर लिया लोगों ने, उसके बाद डायरेक्ट न्यूक्लियस का वेट निकाला गया तो कुछ मास आया, उसको नोट कर लिया, तो पाया क्या गया कि न्यूक्लियस को डायरेक्ट जब वेट किया गया तो उसका मास कुछ कम पाया गया, लेकिन जब उसके अंदर रखे हुए पार्टिकल्स का वेट अलग अलग निकाल के जोड़ा गया तो उसका मास कुछ और पाया गया। ये चीज पूरे साइंस वर्ल्ड को मतलब अचंभित कर दी कि ये क्या है। अब इसको आप जरा इस एग्जांपल समझिए, आप जो है क्या किए, एक किलो सेब खरीद के लाए, 5 सेब चढ़े, कितने, 5 बड़े बड़े सेब आए, पन्नी में लेके आप आ गए, जब पन्नी सहित सेब को वेट किया गया तो आया 1 किलोग्राम, लेकिन जब पांचों सेब को अलग अलग निकाल कर वेट किया गया, पांचों सेब को अलग अलग निकाल के, एक सेब निकाला गया 200 ग्राम का, एक सेब 150 ग्राम का, एक 300 ग्राम का, तो जानते हो अलग अलग निकालने पे कितना आया, 1002 ग्राम। पन्नी सहित डायरेक्ट तौल दिए तो कितना आया, 1000 ग्राम, लेकिन अलग अलग तौले, अलग अलग तौले तो कितना आया, 1002 ग्राम। ये 2 ग्राम कहाँ गया, ये 2 ग्राम कहाँ गया, आखिर ये 2 ग्राम कहाँ गया। मैं कह रहा था कि जैसे आप डायरेक्ट न्यूक्लियस को तौले तो वेट आया कुछ, अब मैं कुछ के आंकड़े में नहीं जा रहा हूँ, अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन को वेट किए तो वेट आया थोड़ा ज्यादा, मतलब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में अरेंज हो रहे थे तो उनका मास थोड़ा सा घट जा रहा था, ये मास गया कहाँ, आखिर ये मास गया कहाँ, जानते हो यही मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन,
इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? मास डिफेक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज करोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन लगेगा, और इसी रिपल्सन से न्यूक्लियस एक्सप्लोड ना कर जाए, उसी प्रोटॉन प्रोटॉन को एक जगह इकट्ठा बांधे रखने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है ना, फेविक्विक की जरूरत पड़ती है ना बांधे रखने के लिए। भाई दो चुंबक है, आप लोग देखते होंगे चुंबकवा को एक तरह से सटाइए अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो चिपक जाता है, लेकिन सेम पोल लेके आइए साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ तो नहीं चिपकता है, लेकिन अगर आप चढ़ जाइए चुंबकवे पे चिपका के हम बैठ जाएंगे, चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है, मतलब अगर आप बांधेंगे किसी चीज से, रस्सी बांध दिए तो चिपक जाएगा। तो क्या कहा गया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए न्यूक्लियस का कुछ मास अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। कई बच्चे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन बंधे रहते हैं, पूछ लो कहां से आई न्यूक्लियर एनर्जी, कहते हैं भगवान की देन है। बिल्कुल भगवान की, सब कुछ भगवान की ही देन है, लेकिन उसके पीछे भगवान ने हर एक चीज के पीछे लॉजिक दिया है, तो इसका लॉजिक ये है। वही मास डिफेक्ट जो हो रहा है, थोड़ा सा जो अभी मैं सेब का एग्जांपल लेके समझाया, वो मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी में कन्वर्ट जाता है, एंड दैट कन्वर्टेड एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। वही प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखती है। अच्छा आप देखिए, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आइंस्टीन का, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो अगर ये मास जो है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इतना कम है 0.00001 ग्राम, इतना कम है, इसको तुम लिख क्या सकते हो 3, 3, 6, 7 1 × 10⁻⁷ ग्राम। अच्छा सी स्क्वायर क्या होता है, 3 × 10⁸, ये लाइट की वेलोसिटी होती है, क्या स्क्वायर यह आया क्या, 9 × 9 × 10⁻⁙ × 10⁻⁷, ये क्या आएगा आपका बताइए, 9 × 10⁻⁷, देख मैंने कैलकुलेशन, 7, 6, 3, 9 10⁻⁹, अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा ये जो भी जूल में आई एनर्जी जिसमें भी आए, ठीक है, मतलब 9 × 10⁻⁹, अबे एक क्या कहना 9 करोड़ जूल एनर्जी। अगर इतना मास डिफेक्ट आया तो सोचो ये कितना कम है, 1 ग्राम से भी 1 करोड़ गुना कम है, मतलब गिन लेना तुम, करोड़ है 10 लाख है, मतलब 1 ग्राम से भी कम है, इतना कम है। अगर इतना भी मास डिफेक्ट आ गया तो इतनी भयंकर एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट भयंकर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। तो ये इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट कॉन्सेप्ट या बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम। अच्छा याद रहे, इसका कोई आंकड़ा, मतलब ये आंकड़े लिख लिख के नहीं समझाना, ये ऐसे थ्योरेटिकली समझाया जाता है कि अलग अलग न्यूक्लियस का मास निकाले तो कुछ और आया, और एक साथ निकाले तो कुछ और आया, तो ये मास गया कहां, यही मास कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के फार्मूले से किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी सारे प्रोटॉन को बांधे रखती है। तो मुझे ये भी आंसर सही है लगता है, कई बच्चे ये भी बताते हैं, लेकिन ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर है मेसन थ्योरी, जो इसके पहले मैंने अभी आपको बताया। क्यों बताया, क्योंकि अच्छा कुछ लोग उसको मेसन थ्योरी नाम देते हैं, आप सीधे सीधे उसको आप नाम ऐसे सिंपल थ्योरी नाम देकर, कोई नाम देने की जरूरत नहीं, आप सीधे न्यूट्रॉन को बता दीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। वो थ्योरी क्यों मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी ने उस थ्योरी को क्या किया है, प्रूफ किया है, वेरीफाई किया है, पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव साइंस जो है उसी थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये दो तरीके से मैंने आपको बताया कि वाई प्रोटॉन प्रोटॉन में क्यों नहीं रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस फट जाता है, बाइंडिंग एनर्जी थ्योरम और मेसन थ्योरी। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊंगा रेडियो एक्टिविटी के नाम से लेके आऊंगा, उसमें मैं ये नहीं डालूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 18, 19, नहीं, वो एकदम अलग रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा चैप्टर ही खोल के आपको पढ़ाऊंगा। उसका जो बच्चे खाली 11th के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं उनका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर उस वीडियो को पढ़ना कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो वीडियो आपका जनरल साइंस पढ़ाए कि कहीं पर रेडियो एक्टिव वर्ड आएगा, कहीं अल्फा रे आएगा, कहीं बीटा रे आएगा, कहीं गामा रे आएगा, तो ये सब आप खुलकर समझा सकेंगे सामने वाले को। कोई पूछ रहे न्यूक्लियस टूट जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं बड़ा बड़ा यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में काहे, तो ये सब होता है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी लिखा था मैंने, तो इसके पहले वाली थ्योरी से एक्सप्लेन करिएगा फर्स्ट पॉइंट। कोई कहे और बाइंडिंग एनर्जी का भी नाम सुना है, तो बाइंडिंग एनर्जी का भी आप ये काम कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यही एनर्जी है जो न्यूक्लियस, मतलब अगर इतना मास डिफेक्ट हुआ तो इतनी एनर्जी, तो यही बाइंडिंग एनर्जी हो गई या न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है। थैंक यू।